युवाओं की संख्या यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में है। युवाओं को अपने जीवन में जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों का अनुभव बड़ों से प्राप्त करना चाहिए। यू शुड टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम योर सीनियर्स, योर पेरेंट्स और जो भी समाज में जिन्होंने अनुभव किया हो अपनी लाइफ का। आज के युग में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ देखकर अच्छा और बुरे का निर्णय करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आँखों से देखा हुआ भी सच नहीं होता। युवाओं को इसलिए बताना जरूरी है कि आपके आगे जिंदगी बहुत बड़ी है और उस जीवन को सुंदर बनाने के लिए जितना जल्दी एक्सपीरियंस बड़ों से हमें कुछ मिल जाए वो हमें जीवन जीने में मदद करता है, सहयोग करता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि आजकल के युवाओं को आप देखो वो बड़ों के साथ नहीं बैठते। बैठते हैं? बोलो। वो अपने मोबाइल के साथ बैठते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं मोस्टली। मैं गारंटी से कहता हूं आप मेरी बात से डिसएग्री नहीं हो सकते। मोस्टली युवा अपने मोबाइल और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता है। दादी दादा नानी नाना जो हमारे सीनियर हैं उनके साथ बैठने में हमारी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपके बड़े जो आपको सिखा सकते हैं कम शब्दों में कम समय में वो आपका मोबाइल नहीं सिखा सकेगा, जीवन भर नहीं सिखा सकेगा। आपके आपकी फ्रेंड भी तो आप ही के एज के होंगे, वो भी कितना सिखाएंगे आपको, वो जितना उनको मालूम है। लेकिन आपके बड़ों के साथ बैठने से आप समय से पहले का अनुभव कर लेते हैं। बहुत जल्दी हम निर्णय करते हैं अपने बड़ों अपने छोटों को भी कुछ भी दृश्य देखने के बाद। बहुत जल्दी हम लोग दूसरों पे दोषारोपण करना और दूसरों को बुरा कह देना या अच्छा कह देना बहुत जल्दी होता है। होता है कि नहीं? मैं आपको यही कहूंगा कि किसी को जाने बगैर आप बहुत अच्छा मत कहिए और आप किसी को जाने बगैर बहुत बुरा भी मत कहिए। जब तक आप फुली न जान लें अच्छा और बुरा करने का डिसीजन आप बहुत जल्दी मत लीजिए। मेरा आप सबसे निवेदन है। इसके लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, जीवन पर्यंत याद रखना। लिख लो, नोट कर लो और हमारा सोशल मीडिया एबीसी वर्ल्ड से भी निवेदन है इसका वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दे। दो स्टोरी मैं आपको यहां सुनाऊंगा और आप फिर उसी को ले लेना, ठीक? बहुत जरूरी है। एक वृद्ध माता पिता अपने पुत्र के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। बेटा उनका युवा था, नियर अबाउट 24-25 ईयर्स ओल्ड, 24-25 साल का युवा बेटा उनका। वो ट्रेन की सीट पे वहां बैठा था जहां से खिड़की थी और खिड़की से वो आउटसाइड देख रहा था। ट्रेन की स्पीड अच्छी थी, वो चला जा रही थी ट्रेन बड़ी तेज स्पीड से। वो बच्चा बड़ा खुश हो रहा था। बच्चा कह रहा था, पिताजी देखो देखो ये वृक्ष कितनी तेजी से पीछे भागे चले जा रहे हैं। पिताजी देखो ये वृक्ष पीछे भागे जा रहे हैं। पिताजी मुस्कुरा दिए उसकी बात को सुनकर। सामने वाली सीट पे एक युवा दंपत्ति बैठे हुए थे, वो उस बच्चे की बात को सुनकर ज्यादा हैप्पी नहीं हुए बल्कि अपसेट हुए। लेकिन वो इस बात से ज्यादा अपसेट हुए कि उनका बेटा ये कह रहा है कि वृक्ष भागे जा रहे हैं पीछे की तरफ, पर उनके पिता सिर्फ मुस्कुरा दिए। इस बात से वो बड़े परेशान हुआ पर बोला कुछ नहीं कि इनका बेटा हमको क्यों है, क्या मतलब, बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उस पुत्र ने फिर कहा, पिताजी पिताजी देखो ये बादल हमारे साथ साथ भाग रहे हैं।
ये बादल हमारे साथ भाग रहे हैं। पिताजी ने फिर कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा दिए। और जब पिताजी मुस्कुरा दिए, उस युवा दंपत्ति जो वहां पति पत्नी सामने वाली सीट पे बैठे थे, हस्बैंड एंड वाइफ, उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने कहा, कमाल करते हो, आपका बेटा पागल बनने की बात कर रहा है और आप मुस्कुरा देते हो, आप इसका किसी डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं कराते? हमको लगता है ये मेंटली डिस्टर्ब है, आप इस बच्चे को किसी डॉक्टर के पास में लेके जाइए। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूं, डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूं। आप इस बच्चे के विषय में कुछ जानते नहीं, आपने इसे पागल घोषित कर दिया। आप जानते हो, ये जो बच्चा है ये जन्मांध अंधा है, जन्मांध अंधा ये बच्चा, इसका इलाज अच्छे डॉक्टर के पास हुआ और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है। जन्म से इसने दुनिया को नहीं देखा, आज पहली बार इसने दुनिया देखी है, इसलिए इसे ये नहीं पता कि वृक्ष भाग रहे हैं या ट्रेन भाग रही है। इसे ये नहीं पता कि बादल तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। ये पागल नहीं है, पहली बार दुनिया देखी है, इसलिए इसका ज्ञान कम है, बोध कम है, पागल नहीं। वो युगल दंपत्ति, युवा हस्बैंड एंड वाइफ, अपनी बात पर संकुचित हो गए, शर्म आ गई कि हमने बिना जाने पहचाने इसको पागल समझ लिया। बात सच है कि वृक्ष नहीं भाग रहे, बात यह भी सच है कि बादल नहीं भाग रहे, पर बात यह भी सच है कि वो यो जो युवा दंपत्ति है वो नहीं जानते कि बच्चे का दर्द क्या है, अधूरा ज्ञान है उसे। इसलिए बहुत जल्दी किसी के विषय में जाने बगैर आप अपनी विचारधारा बना लें वो गलत है, पहली बात। दूसरी एक और स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद कथा को प्रारंभ करेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी। एक शिप, बहुत बड़ा शिप, बहुत बड़ा जहाज समुद्र में तैर रहा है, समुद्र में जा रहा है। अचानक से कैप्टन ने यह अनाउंस किया, क्योंकि वह समुद्र में तूफान आ गया, समुद्र में तूफान आ गया, वो जहाज डूबेगा। कॉलेज में प्रोफेसर ये कहानी सुना रहे हैं, प्रोफेसर स्टूडेंट्स के सामने क्लास में ये बात कहानी सुना रहा है। बच्चों जरा ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं, उसका आंसर बीच में तुमको देना है। बोले जी सर। बोले समुद्र में एक बहुत बड़ा शिप, समुद्र में तूफान आया, तूफान आया तो कैप्टन ने कहा कि समुद्र में ये जहाज डूबने वाला है, जितना जल्दी हो सके बचने का प्रयास करें। और जो बहुत बड़ा शिप होता है उसी में आप ध्यान देंगे कि बोट होती, नाव होती, लाइफ बोट जिसको कहते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, लोग कूद कूद के उसमें चले जाते हैं तो बच जाते हैं भाग्यशाली लोग। तो वो लाइफ बोट खोल दी गई और कैप्टन ने कहा कि जितना जल्दी हो सके उसमें सवार हो जाओ। सारी नाव चली गई, उसमें एक युवा दंपत्ति थे, युवा दंपत्ति थे उस जहाज में। आखिरी बोट में उनको अवसर मिला जाने का, लेकिन आखिरी बोट में भी एक व्यक्ति के ही जाने की जगह थी, सिर्फ ओनली वन। पति ने बिना विलंब किए उस नाव में जंप लगा दी और जब वो नाव जाने लगी तो पत्नी ने एक शब्द कहा,
जाते हुए पति से प्रोफेसर ने पूछा, बताओ बच्चों, उस पत्नी ने क्या प्रश्न किया होगा जाते हुए, क्या शब्द कहा होगा जाते हुए पति से, क्योंकि वो जहाज पे ही है जो जहाज डूबेगा। पत्नी जहाज पे ही रह गई जो डूबेगा। जाते हुए पति से उस पत्नी ने क्या कहा, जो एक शब्द कहा, बताओ। सब बच्चों ने कहा, उसने कहा होगा तुम धोखेबाज हो, तुम धोखेबाज हो, मुझे छोड़ के चले गए। प्रोफेसर ने देखा, सबने कहा कि तुम धोखेबाज हो, ये ऐसा पत्नी ने कहा होगा, पर एक बच्चा मौन है। पूछा, बेटा तुम क्यों मौन हो, तुम्हारे हिसाब से उस स्त्री ने क्या कहा होगा, बताओगे? नहीं। बोले, जी बताने की इच्छा है। बोले, क्या कहा होगा? बोले, उसने एक शब्द कहा होगा। क्या? बोले, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। जाते हुए पति से उस स्त्री ने यही कहा होगा कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। प्रोफेसर ने पूछा, क्या तुमने एक कहानी सुनी है? बोले, नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता? बोले, मुझे इसलिए पता है, जब मेरी मां इस दुनिया से जा रही थी, तो मेरा हाथ पकड़ के मेरे पिता के हाथ में देते हुए बोली, मेरे जाने के बाद मेरे इस बच्चे का ध्यान रखना। स्त्री के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। उसने यही कहा होगा। कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। इस आंसर के बाद पूरे स्कूल की क्लास में सन्नाटा था। कईयों की आंखें नम हो गई थी, कई रो पड़े थे। जो पत्नी जहाज पे रह गई, वो जहाज डूब गया और पत्नी की मृत्यु हो गई। पति आया, उनकी एक बेटी थी। पूरे जीवन भर उसने अपनी बेटी को संभाला, उसका ध्यान रखा और उसकी शादी कर दी। कुछ दिन बाद उसकी भी मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई तो उनकी बेटी को उस व्यक्ति की डायरी मिली। और उस डायरी में उसने सारा चैप्टर लिखा। उस डायरी में उस दिन का जिक्र भी था। पता चला कि उस स्त्री को जानलेवा बीमारी थी, जो समुद्र में जहाज में डूब गई, उसको जानलेवा बीमारी थी। पति ने लिखा, चाहता तो मैं भी तुम्हारे साथ उसी समुद्र में डूबना था, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता था, करता हूं, मैं भी चाहता था कि उस समुद्र में तुम्हारे साथ मैं भी डूब जाऊं, परंतु अचानक से मुझे इस बेटी का ख्याल आया, जो तुम्हारा ही रूप है, जो तुमसे ही प्राप्त है, तुमसे ही मिली है। अगर हम दोनों ही मर जाते तो इस बेटी को कौन संभालता? इसलिए इस बेटी की खातिर मैं उस नाव में कूद गया और तुम्हें अकेली छोड़कर आ गया, मुझे क्षमा करना। उसे पढ़कर उसकी बेटी कितना रोई होगी तो आप सब जानते हैं। परंतु एक बात सत्य है, शुरू में ये जब दिखा कि पत्नी को छोड़कर
पति नाव में कूद गया, लगा कि पति ने बुरा किया। हमारे यहाँ किसी भी वाहन में चढ़े देवी साथ हो तो पहले स्त्री को चढ़ाते हैं फिर बाद में खुद चढ़ते हैं, पर वो बीमार तो थी ही, उसे तो जाना था ही, लेकिन उस बेटी की खातिर उसने उस नाव में सवारी की। अब गलत यहां पति नहीं था और गलत वहां पर वो बच्चा भी नहीं था। इन दोनों स्टोरियों से एक बात पता चलती है कि शुरुआत में दिखने वाले गलत पूरी सच्चाई जानने के बाद में वही प्यारे लगते हैं। तो जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी निर्णय, कोई फैसला कि ये गलत है ये सही है, आपको बाद में दुखी कर सकता है। इसलिए युवाओं से मेरा आग्रह है, सोच समझ के अपने जिंदगी के कई फैसले लिया करें।